Hey guys, welcome back to my channel. Hope you guys are doing really well today. So guys, in today's video, I'm going to review this product by the brand Foxtail. So this is their overnight glow mask. So this is how the product packaging looks like. So guys, I remember jab ye Foxtail naya launch hua tha, तब इट्स एन इंडियन ब्रांड, आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा. मैं फॉक्सटेल के प्रोडक्ट्स वगैरह रिव्यू करती रहती हूँ आप लोगों के साथ, और फॉक्सटेल अपनी भी बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करता रहता है. ठीक है, सो इट्स एन इंडियन ब्रांड, और जब ये लॉन्च हुआ था ना मार्केट में, तो इनका ये ओवरनाइट मास्क जो है ना बहुत फेमस हुआ था कि आपको पार्लर जाने की जरूरत नहीं है, फेशियल करवाने की जरूरत नहीं है, आप इसको नाइट में लगा लो एंड मॉर्निंग में आपकी स्किन एकदम मतलब ब्राइटन अप होगी और आपको कुछ भी करवाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, सो आई वॉज क्वाइट इंट्रीग कि ठीक है भाई मैं भी ट्राई करूंगी. पीछे फॉक्सटेल की वेबसाइट पे ना लास्ट ईयर की मैं आपको बात बता रही हूँ, अभी की नहीं बता रही, लास्ट ईयर फॉक्सटेल की वेबसाइट पे सेल वगैरह लगी थी. अक्सर उनकी बाय टू गेट टू वाली सेल लगती है. ठीक है, अक्सर जो मैंने देखा है, सो मैंने भी कुछ प्रोडक्ट्स को पिक कर लिया था. ठीक है, और मैं तब से इसको ट्राई कर रही थी, और बीच में मैंने इसको ट्राई करना बंद कर दिया बिकॉज मेरी हेल्थ थोड़ी खराब हो गई थी. आप लोगों को पता ही है जनवरी के बाद मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही हूँ. ठीक है, तो लास्ट ईयर की मैं आपको बात बता रही हूँ, आई थिंक नवंबर में मैंने इसको परचेज किया होगा. ठीक है, तो मैंने कम कर दिया ट्राई करना, मैंने कहा पता नहीं क्या वर्क कर रहा है क्या नहीं करना. फिर मैंने इसे थोड़ा कंसिस्टेंटली यूज करना स्टार्ट किया, एंड ये डेफिनेटली गाइस रिजल्ट देता है. इसमें AHA है, PHA है, और प्रो विटामिन B5 है, एंड इट इज सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स. ठीक है, तो आपको ये एक्चुअल में रिजल्ट देता है. मैं डिटेल में पूरा रिव्यू अभी आगे आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, पूरा डिटेल इंग्रेडिएंट लिस्ट, कैसे यूज करना है कैसे नहीं करना है, क्या क्या है इसमें, मैं सारा डिटेल में डालूंगी आगे. बट थोड़ा सा अपना फीडबैक मैं बता देती हूँ. वीक में मैं इसे सिर्फ दो बार यूज करती हूँ नाइट टाइम में, एंड आई टॉप इट अप विद अ गुड थिक मॉइस्चराइजर. ठीक है, आपकी मर्जी है, आपको मॉइस्चराइज करना है आप कर सकते हो, नहीं करना है नहीं कर सकते, क्योंकि काफी क्रीमी टेक्सचर है इसका. दूसरी चीज, ये डेली यूज करने वाला प्रोडक्ट है भी नहीं. ठीक है, आपकी स्किन को एक जेंटल एक्सफोलिएशन प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो मैं यही बोलूंगी कि वीक में दो या तीन बार ही आप इसे यूज करो. और ये जो इसका पंप है ना, एज ए ये जो इसकी पैकेजिंग में ये आता है स्टॉपर, इसको कभी लूज मत करना. ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट खराब हो सकता है. ठीक, और बाकी ऑल इन ऑल अगर आप अपने अर्ली 20s, लेट 20s या 20 एंड अबव हो तो आप इसे यूज करो. ठीक है, ये आपको लगता है आपको आपकी स्किन इतनी ज्यादा क्या कह सकते हैं, डिहाइड्रेटेड कह सकते हैं या डल कह सकते हैं, डल होने लग गई है अभी से, तो आप इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हो. ठीक है, अदरवाइज अगर आप नॉर्मल स्किन केयर करते हो अपना इन जनरल, जो भी आप मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन वगैरह लगाते हो, तो आपको इस तरह के मास्क वगैरह की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, ये एक जेंटल एक्सफोलिएशन का ही काम करता है, आपको इसकी जरूरत नहीं है. अगर आप यंग हो, टीनेजर हो, बिगिनर हो, आपको जरूरत नहीं है इसकी. ठीक है, आपकी एजिंग स्किन है, अब जैसे मेरी एजिंग स्किन है, आई एम लाइक 30+, सो ऑब्वियसली मुझे ऐसी चीजों की जरूरत है टू रिवाइव माई स्किन. बट अगर आप यंग हो, आपकी स्किन वैसे आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डार्क स्पॉट नहीं है, हल्के फुल्के एक्ने पिंपल होते हैं, आपको जरूरत नहीं है इस चीज की. ठीक है, बाकी आप एक बार डिटेल में रिव्यू देख लो, इंग्रीडियंट लिस्ट देख लो, क्या क्या है इसमें, आप वो सब देख लो, कैसे यूज करना है वो समझ लो. आपको समझ में आता है तो डेफिनेटली आप ट्राई कर लेना, अदरवाइज आपकी मर्जी है. ठीक है, सो गाइस ये है फॉक्सटेल का द डीवा ओवरनाइट ग्लो मास्क. सो इसमें ये रिवील करता है ग्लोइंग स्किन, इवन टोन करता है आपके स्किन के टेक्सचर को. AHA है, PHA है, और प्रो विटामिन B5 है. दिस इज सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स. 30 ml इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है. ठीक है, और फ्रॉम प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज फॉर 595 rupees, और ऑनलाइन आपको अच्छे डिस्काउंट पर मिल जाएगा. 2 साल की आपको इसको इसकी शेल्फ लाइफ मिल जाएगी. इस मास्क को क्यों यूज करना है, सो बेसिकली दिस इज एन ओवरनाइट मास्क जिसमें लैक्टिक एसिड है, ग्लाइकोलिक एसिड है, जो फाइट करते हैं डेड स्किन को, व्हाइट हेड्स को फाइट करते हैं, टेक्सचर आपकी स्किन में अगर कोई टेक्सचर है उससे फाइट करते हैं, रिवील करते हैं ग्लोइंग स्किन टोन को. ठीक है, और इसमें ग्लूकोनाथॉन टोन है और मैंडेलिक एसिड है जो स्ट्रेंथन करता है, जो स्मूदन करता है आपकी स्किन को और हाइड्रेट करता है, मेकिंग इट लुक
ब्राइट एंड हेल्दी। और आपको इसको कैसे यूज करना है, एक या दो पंप लेने हैं और अपने पूरे फेस पे नाइट टाइम में यूज करना है, डे टाइम में नहीं करना है, क्योंकि एक जेंटली एक्सफोलिएट करेगा आपकी स्किन को। और एक्सफोलिएशन हमेशा हमें नाइट टाइम में करनी चाहिए, ठीक है, केमिकल एक्सफोलिएशन। उसके बाद आपको इसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगाना है अगर आपकी ड्राई या सेंसिटिव स्किन है तो, बट मैं फिर भी लगाती हूँ, मेरी सेंसिटिव स्किन तो नहीं है बट स्टिल मैं मॉइस्चराइजर जरूर यूज करती हूँ। आपको इसको किस तरह से यूज करना, इस तरह की ना ये पैकेजिंग में आता है और ये इसका स्टॉपर इन्होंने दिया है, इसको कभी घुमाना मत, ठीक है, नहीं तो प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। इस तरह से पंप वाली पैकेजिंग में एक दो पंप आपको अपने पूरे फेस पे लगाने हैं, इवनली स्प्रेड करने हैं। काफी क्रीमी है, नॉन स्टिकी है, नॉन ग्रीजी है, स्टिल आई यूज अ गुड मॉइस्चराइजर ऑन टॉप, बट वैसे ये काफी है। काफी टाइम से मैं इसे यूज कर रही हूँ और सच में गाइस ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। आई वुड हाईली रेकमेंड दिस प्रोडक्ट। आपको इसको सिर्फ 2 से 3 टाइम्स लगाना है एक वीक में। सो मैं अराउंड 2 बार लगाती हूँ इसे और अपने नाइट टाइम रूटीन में। ये आपकी स्किन के पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है 4.5 से 5। वीगन प्रोडक्ट है, क्रुएल्टी फ्री है, पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है एंड डोमैक्स ने इसे टेस्ट किया है, ठीक है। और इंग्रीडियंट लिस्ट आपको फॉक्सटेल की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। और इसमें ना एक पर्चेस भी आई थी, ये फॉक्सटेल के हर प्रोडक्ट में आती है, आपको दिखाती हूँ, ये ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट में आती है फॉक्सटेल के। तो इन्होंने किस तरह से पूरे प्रोडक्ट को बनाया है, क्या इनका ड्रीम था, क्या करता है एंड उसके बाद फाइनल जो प्रोडक्ट बना है। फॉक्सटेल अपने प्रोडक्ट्स में ना गाइस काफी मेहनत करते हैं, अपनी जान लगा देते हैं, ओप्स कुछ ना कुछ गिर ही जाता है यार मेरे से, पता नहीं क्या है। एनीवे, सो जैसे कि मैंने कहा, फॉक्सटेल अपने प्रोडक्ट्स में ना काफी मेहनत करते हैं, प्रॉपर जान डाल देते हैं अपने प्रोडक्ट्स में। और आई वुड रियली रेकमेंड, अगर आपको स्किन पे टेक्सचर का इशू है, डलनेस का इशू है, डेफिनेटली गाइस गो फॉर दिस प्रोडक्ट, बहुत अच्छी एक्सफोलिएशन देता है। बट अगर आप केमिकल एक्सफोलिएशन वगैरह में बिलीव नहीं करते हो तो यू कैन स्किप इट। बाकी मुझे ये प्रोडक्ट काफी पसंद आया, सो या तो आई वुड रेकमेंड इट। So that's all for the review video today. I hope आपको पसंद आई होगी। In case you like this video, do like, share and subscribe to my channel. Thank you guys. Bye bye.